हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। तो आज हम जानेंगे कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर सपना से और जानते हैं उसके बारे में। हेलो, आई एम डॉक्टर सपना, आई एम कंसल्टेंट एट ओकला आई एंड लेजर सेंटर। तो जानते हैं मैम से कैटरेक्ट के बारे में, क्या होता है मोतियाबिंद, किस तरीके से शुरू होता है। हेलो मैम। हेलो मैम, मोतियाबिंद कैटरेक्ट जो होता है वो किस तरह से होता है, कैसे एक पेशेंट को पता चलेगा कि उसको मोतियाबिंद है? ठीक है, तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी आंख जो है एक कैमरा के जैसी होती है, जिसमें हमारा लेंस जो होता है वो फोकस करता है जो भी हम इमेजेस देखते हैं ऑन द रेटिना। रेटिना जो हमारे पर्दा रहता है आंख का पीछे, तो इस लेंस में क्या होता है कि कई कारणों से इसमें सफेदी आ जाती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है और वो इमेज जो है वो फोकस नहीं हो पाती हमारे रेटिना पे, और वो ब्लॉक कर देता है लाइट रेज को आई में एंटर करने के लिए। तो इसके कारण, सबसे मुख्य कारण तो है उम्र। उम्र के साथ सबको कैटरेक्ट होता है। जनरली 60 साल के बाद देखा गया है कि 80-85% जो लोग हैं उनमें कैटरेक्ट पाया जाता है। और इसके और भी कई कारण हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, या फिर कुछ ड्रग्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स, और कुछ बीमारियां, लंबी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और अधिक कारण जैसे मैं बताऊंगी कि अगर हमारा ज्यादा एक्सपोजर है टू सन, तो यूवी रेडिएशन वगैरह से भी हमारा कैटरेक्ट होता है। और अगर कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग या कुछ भी ड्रग्स लेते हैं, तो उससे भी कैटरेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या ये मोतियाबिंद चश्मा लगाने के बाद में फोकस प्रॉपर ला सकता है, या मोतियाबिंद में चश्मे से कोई? देखिए, अगर अर्ली स्टेजेस का कैटरेक्ट है तो उससे हमें कुछ फायदा हो सकता है चश्मा लगाने से, बट उसमें भी हमारा कुछ महीनों में हमें फिर से उसकी जांच करानी पड़ेगी, हमारी नजर फिर ड्रॉप कर जाएगी, हमें फिर से एक बार टेस्ट करा के देखना पड़ेगा, हो सकता है नंबर बढ़ जाए। लेकिन कुछ स्टेजेस के बाद फिर अगर ओपेसिटी बहुत ज्यादा हो गया, उसमें सफेदीपन ज्यादा आ गई, तो फिर चश्मे से काम नहीं चल सकता, फिर इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सर्जरी की जरूरत है या चश्मे का नंबर से हमारा काम हो सकता है? हाँ, वो तो आपको डॉक्टर, आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपकी आंख की जांच करानी पड़ेगी। वो पूरी दवाई डाल के आपकी जांच करेंगे और बताएंगे कि आपको इतनी ग्रेडिंग है कैटरेक्ट की और इसमें आपका काम नहीं चल सकता चश्मे से, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो क्या मैम ये मोतियाबिंद बच्चों को या जवान लोगों को भी हो सकता है, या सिर्फ ये उम्र के साथ ही होता है? नहीं, बच्चों को भी हो सकता है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी होता है, जब माँ को, जब वो बच्चा पेट में है तो इन्फेक्शन होती है कुछ, जिससे बच्चे को जन्म से ही कैटरेक्ट होता है, वो भी होता है। और कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ ट्रॉमा, इंजरी हो गई, तो कुछ भी इंजरी होती है तो कैटरेक्ट होने के, अगर इंट्राओकुलर इंजरी हुई जिससे हमारे लेंस को कुछ ट्रॉमा हो गया, तो उससे भी कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैम ये कैटरेक्ट को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? कैटरेक्ट को, जैसे मैंने बताया, इसका इलाज यही है कि हम इसको सर्जरी करके निकाल दें और इसको रिप्लेस करें एक आईओएल के साथ। आजकल कई प्रकार के आईओएल्स हैं जो यूज कर सकते हैं। मैम थोड़ा आईओएल के बारे में आप डिटेल में बताएंगे, अगर हम अपने चश्मा हटा देते हैं और कैटरेक्ट की सर्जरी करा लेते हैं, तो क्या दोबारा से हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, या कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद में चश्मे की जरूरत है? हाँ, IOL, it depends on IOL, आपने कौन सा IOL यूज किया। मोनोफोकल IOL आप यूज करते हैं तो उसमें मोनोफोकल में एक ही फोकस है, तो उससे जैसे आप सिर्फ दूर की नजर ठीक करा लेते हैं चश्मे की, उसका नंबर की जांच करके, लेंस वही नंबर का पड़ेगा जिससे आपको दूर का दिखाई देगा, उससे आप पास का नहीं देख पाएंगे, पास का चश्मा आपको फिर भी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर एज रिलेटेड है। तो इसमें क्या ऐसे लेंसेज भी आते हैं जो पास का और दूर का दोनों नजर ठीक कर सकते हैं? हाँ, मल्टीफोकल लेंसेज हैं जिसमें आपका दूर का और पास का विजन दोनों ही ठीक हो जाता है। तो मैम ये सर्जरी कराने के बाद में क्या पेशेंट को दोबारा से इस टाइप की दिक्कत हो जाती है, या ये सर्जरी करा ली अब लेंस चेंज हो चुके हैं, अब लाइफ टाइम कोई और लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
सर्जरी के बाद भी अगर जैसे कभी हो जाता है 6-8 महीने के बाद या साल के बाद, डिपेंड की क्वालिटी ऑफ लेंस कैसा था, एक झिल्ली बन जाती है हमारे लेंस के पीछे. तो उससे भी कभी कभी नजर उनकी फिर से ड्रॉप करना शुरू कर जाती है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो लेजर से वो हम झिल्ली हटा देते हैं और फिर से नजर पहले जैसी क्लियर हो जाती है. तो इस लेजर से झिल्ली हटाने वाले प्रोसेस में दोबारा सा लेंस तो नहीं लगाना पड़ता? नहीं, उसी लेंस के पीछे जो झिल्ली बनती है उसको हटा दिया जाता है. ओके, तो क्या ये जो प्रोसेस होता है सर्जरी का, ये पेनलेस होता है या? हाँ, इट्स पेनलेस. हम तो डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो हम टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं, और अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता तो उसको छोटा सा अलग से एनेस्थीसिया देना पड़ता है. तो पेनलेस रहता है. तो ये सर्जरी कराने के बाद में पेशेंट दोबारा से रूटीन विजन कब उसका क्लियर हो जाता है? जनरली 1 month to 6 weeks लगता है वापस नजर आने में. मैम, इसके बाद में हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए जब हम ये सर्जरी करा लेते हैं? अब हमें आँख के लिए क्या ख्याल रखना है कि हमारी आगे फ्यूचर में इस टाइप की परेशानियां ना बढ़े? हाँ, जैसे सर्जरी इमीडिएट किया तो अपने आई हाइजीन का ध्यान रखना है. हम एडवाइस जनरली करते हैं कि वो आँख में पानी ना, जब भी नहाए मुंह धोए तो आँख में गंदा पानी ना जाए, स्ट्रेनिंग ना करें, और स्विमिंग के लिए ना जाए, हॉट वाटर बाथ ना लें, और धूम्रपान अगर करते हैं तो वो अवॉइड करें, शराब वगैरह ना पिए कुछ दिन तक. अगर उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है अंदर, तो उसको हमें वैसा ही एनवायरनमेंट देना है आई को, जिससे हीलिंग हमारी जल्दी हो. ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कैटरेक्ट से रिलेटेड हमने आपको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दी. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ओखला आई एंड लेजर सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर भी अपनी कोई क्वेरीज रख सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू.